भरतपुर डिग में खाद विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद निरीक्षक जगदीश गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह के निर्देश पर सोमवार को खाद सुरक्षा दल ने डिग कस्बे के लक्ष्मण मंदिर के पास स्थित कल्लू डेयरी के यहाँ से क्रीम का नमूना, जैन मिष्ठान भंडार की दुकान से पनीर का नमूना एवं पवन किराना स्टोर और दीपक राजेश की दुकानों से हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कस्बे में दर्जनों स्थानों पर सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक पनीर और नकली मावा बनाने कारखाने बेखौफ चल रहे हैं। वहाँ मिलावटी सामान, विभिन्न ब्रांडों का नकली सामान काफ़ी समय से धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। कस्बे के लोगों का आरोप है कि खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई मात्र दिखावा है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह के निर्देशानुसार आई थी डीग में आई, वहाँ पे कल्लू डेयरी लक्ष्मण मंदिर से एक नमूना क्रीम का लिया गया। उसी तरह से जैन मिठाई वाले से एक नमूना पनीर का लिया गया तथा पवन किराना स्टोर से हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर के नमूने लिए गए। दीपक राजेश किराना स्टोर से हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर के नमूने लेकर जाँच हेतु प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक्ट के अनुसार नियम से कार्रवाई।